दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में आपने देखा इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक और जो है सटीक न्यूज़ दी जाती है। 12 जनवरी 2024 मतलब आज का नोटिस है ये, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जो है वो नियमित इस तरीके से। आपने देखा यहाँ पर जो है कैलेंडर जारी हो चुका है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, UPSC की तरफ से जो है ये कौन कौन सा एग्जाम कब कब होगा यहाँ पर आप ये जो है वो देख सकते हैं। साथ में इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है और बिल्कुल सटीक और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है। स्टाफ नर्स का एग्जाम आपने देखा यहाँ पे 9 जून को कराया जाएगा। सहायक नगर आयोजन इसमें जो नियोजक का एग्जाम जो है 19 जून को कराया जाएगा। पूरा जो है ब्यूरा यहाँ पे जो है दिया हुआ। PCIS का मेन एग्जाम जो है वो भी इसमें दिखाया गया है यहाँ पे कब कब कराया जाएगा, पूरा पूरा लिस्ट यहाँ पे जो है तो आप यहाँ पर जो है ये वो देख सकते हैं। वैज्ञानिक अधिकारी का परीक्षा होगी वो कब होगी। साथ में जो है ये आपने अगर फॉर्म भरा होगा, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, मुख्य परीक्षा जो है 28 जुलाई को कराई जाएगी। पूरा मतलब वार्षिक कैलेंडर यहाँ पे जो है वो जारी हो चुका है यहाँ पर जो है ये, और हमने इसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ मैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूँ मैं। साथ में जो आपने देखा वायुसेना के अंतर्गत जो है स्कूल जो होते हैं वायुसेना में, उसमें टीचरों की भर्ती आ चुकी है। साथ आपके हेल्पर की भर्ती आ चुकी है, हेल्पर के जो है 13,000 रुपये सैलरी है ये, और TGT हेल्थ डिपार्टमेंट की यहाँ पर वैकेंसी है ये। साथ में जो रेगुलर यहाँ पर देख लीजिए लाइब्रेरी, इसमें जो लाइब्रेरियन का होता है रेगुलर होता है तो यहाँ पर 33,000 सैलरी, यहाँ पर जो है स्पेशल एजुकेटर है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल 33,000 सैलरी फिक्स सैलरी यहाँ पर जो है वो कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ पोस्टों की वैकेंसी यहाँ पे जो है ये फिक्स है। NTT के रेगुलर पोस्ट के लिए जो है 18,000 रुपये सैलरी इसमें दी जाती है। NTT कॉन्ट्रेक्चुअल 18,000 रुपये सैलरी, तो मतलब क्या है, मतलब क्या है यहाँ पे विज्ञापन आ चुका है यहाँ पर जो है। और जो भारत के अंतर्गत कहीं भी सरकारी नौकरी लगे तुरंत आप कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हो रिक्वायरमेंट फॉर द सेशन ऑफ 2024-25 के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल और संविदा और साथ में जो है परमानेंट रेगुलर वैकेंसी दोनों निकाली गई यहाँ पर जो है ये, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है। साथ में आपने देखा क्लर्क आप सभी जानते हैं लिपिक होता है ये, तो इसकी भी सैलरी जो है ये यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, फिक्स है यहाँ पे सैलरी है ये। साथ में जो आपने देखा हो यहाँ पर जो है ये हेल्पर जिसको आप बोलते प्योन, उसकी सैलरी फिक्स कर रखी है। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं यहाँ पे, क्वालिफिकेशन आप सभी जानते हैं कुछ नहीं, केवल पढ़ना लिखना आता हो बस केवल यहाँ पे जो है ये, और DA TA आपको जो है मिला जाएगा। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं है यहाँ पर जो है, ट्रांसफर भी हो सकते हैं यहाँ पर जो है। मैंने जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको मैंने डाउनलोड कर लिया ये, तो मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर जो 25 जनवरी 2024 से पहले वाला फॉर्म आपको जो है भर देना है। बच्चे कहेंगे सर इसमें एज लिमिट कितना, हमारा है या नहीं भाई 21 साल से लेके 50 साल तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे सफाई कर्मचारी की, तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी के जो है पदों पर जो विज्ञापन आया था उसकी डेट बढ़ा दी गई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे 19 दिसंबर था है ना, तो अब इसको बढ़ा के जो है वो 16 जनवरी 2024 कर दिया गया। कहने का मतलब क्या, यहाँ पर जो है ये डेट बढ़ा दी गई है और संशोधित अंतिम तिथि यहाँ पर जो बढ़ा दी। अगर आपने सरकारी अगर आप जो कर्मचारी बनना चाहते हैं सफाई कर्मचारी, तो आप इसके अंदर आपके गाँव क्षेत्र में भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच होगी, तो वहाँ पर आप ये नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, इसका और सरकारी है ये, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक जी के जो है द्वारा यहाँ पर जो है ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये एक नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरा नोटिस, यहाँ पर 22 जनवरी 2024 को जो अयोध्या में जो है यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या 26 जनवरी का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है सही से किया जाए, मतलब वही चीज़ क्या ड्यूटी जो है आपकी जो कर्मचारी ड्यूटी लगाई जाए उनको सही, तो उसको सही तरीके से जो है वो निर्वाह किया जाए यहाँ पर भी जो है बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर जो है। और यदि आपने जो ये वाला वीडियो नहीं देखा है दोपहर का वीडियो, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ये कमेंट भी आ चुके हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया सर जो है रायबरेली चपरासी भर्ती में ज्वाइनिंग हो गई है तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अभी या नहीं होगा। एक बार अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, वो बात अलग है। जिस कॉलेज में आपने अगर ज्वाइनिंग करी है तो वहाँ पर जाके वो है प्रिंसिपल और जो है मैनेजर आपको देख सकते हैं, आप जो है देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सही है फर्जी तो नहीं है। फर्जी वैसे आप नहीं लगाएंगे फर्जी, क्योंकि आप सभी जानते हैं अच्छे बच्चे हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये पुरानी क्लर्क भर्ती कब तक क्लियर होगी, मैंने आपको बता दिया कल शाम का वीडियो देख लीजिए। स्पष्ट मेरी अधिकारियों से वार्तालाप हुई है और जो और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक स्कूलों में जो वर्क जो है कर रहा हूँ, अभी तक जो प्राइवेट में सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा आगे, देखो अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज में ये जो क्लर्क के या फिर जो है ये जो काम कर रहे हैं प्राइवेट जो है ये,
तो इन्होंने कहा है कि जो है सर ये वो एक तरीके से क्या है, क्या फैसला देखो इस समय कोर्ट केस हो रहा है, आप सभी जानते हैं अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज के अंतर्गत कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कोर्ट केस जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। पुरानी क्लर्क भर्ती के बारे में बताइए भाई, पुरानी क्लर्क भर्ती के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है और यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। और तो और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर जो है एक बार को मैं आपको दिखाना चाहूँगा असाध के साथ अपराध इंटर कॉलेज में जो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती चल रही है, ठीक है जिसके अंदर सफाई कर्मचारी परिचारक और चौकीदार। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है आप अपना जो इनबॉक्स चेक कर लीजिएगा, मेल चेक कर लीजिएगा, मेल चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हम मेल पर जो है ये इन्होंने आपको नोटिस आया होगा। अपना फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म अगर भरा होगा तो ज़रूर अपना जो है इनबॉक्स चेक कर लीजिएगा मेल आई। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर जो है यहाँ पे भेज रहे हैं असाध की सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की सफाई कर्मचारी परिचारक और चौकीदार यहाँ पे भर्ती के लिए यहाँ पे जो है बोला गया है। तो ये जो है भर्ती चल रही है, मैंने आपको बोला है कि सफाई कर्मचारी परिचारक और चौकीदार। हाँ तो ये महोबा डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना ही होगा, तो यहाँ पर जो अम्बे पैलेस परमानंद चौक महोबा, तो यहाँ पर जो है ये आप देख लीजिए यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है और यहाँ पर 11 जनवरी 2024 यहाँ पर जो है वो डेट भी दे रखी है। एक बात बताइएगा भाई, अभी मेरे पास 10 तारीख को ये नोटिस आया था है ना वो इनबॉक्स में, तो इतनी जल्दी कैसे कोई चला जाएगा आप खुद सोचिएगा। तो यहाँ पे जो बालाजी एंटरप्राइज और कंपनी का नाम दिया हुआ, तो कहना मतलब क्या कंपनी का नाम यहाँ उपस्थित होकर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, मतलब क्या मूल अभिलेखों का जो है वो आप सत्यापन कराएं। तो कहना मतलब सत्यापन जो कराएंगे तो भैया कम से कम 4-5 दिन पहले तो भेज देते कम से कम नोटिस। तो जो है ये तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर जो है तो बताया यहाँ पर जो है ये 11 तारीख को बोला, 10 तारीख को नोटिस आया, ये आप ये जो है देख सकते हैं। महोबा डिस्ट्रिक्ट के बाद आप जो है बांदा का नाम आपने सुना ही होगा, बांदा जनपद का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर जो है पूर्वा ऑटोमेटिक सॉरी ऑटोमोबाइल जानकी भवन सिविल लाइन लाइन कचहरी के पास बांदा वाले सभी जानते होंगे, तो बांदा है ना पूर्वांचल में सब जानते होंगे है ना। तो ये रहा इसका जो है वो नंबर कंपनी वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, फ़ोन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इस तरीके से जो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे जो है वो दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी आप ये फ़ोन कर सकते हैं और बाकी चीज़ों का धीरे धीरे जो है आप अपना जो है मेल चेक करते रहिएगा, ठीक है। बाकी और कमेंट की रिप्लाई यहाँ पर देख लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो योगा टीचर भर्ती का 1 साल हो गया मेमेंट नहीं आया। तो भाई एक बार बताइएगा आपने जो ये जब ज्वाइन किया था तो वहाँ पे जो है ये एक प्रोफार्मा भरवाया जाता है, अगर सैलरी नहीं आएगी तो पूरी सैलरी एक साथ देंगे, ठीक है। बताइयों कब आएगा सर, बताइयों का आने वाला, ठीक है। इसके बाद सर मेरे पास फ़ोन आया था 4th क्लास में जो है ज्वाइनिंग के लिए आपका जो चालान जमा करना, चालान किस बात का जमा करना भाई, संविदा की नौकरी में ये तो फर्जीवाड़ा चल रहा है। यहाँ पर जो है ये इस तरीके से किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए, उनसे कह दो कि चालान वालान कुछ नहीं, अगर ऐसी ज्वाइनिंग देना चाहो तो देख लीजिए। सर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ओल्ड क्लर्क भर्ती की भी इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिए कल का वीडियो स्पष्ट मैंने बताया, बिना पैसे कोई नहीं लगता भाई, अच्छी बात नहीं लगता तो दे दीजिएगा। जब मैं कह रहा हूँ किसी को मत दो पैसे, मत दो, मानते तो हो नहीं, संविदा की नौकरी सरकारी है नहीं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। और यदि मेरे चैनल पर अगर नया है तो भैया प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।